गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, हाउ मैनी टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। आपको यहाँ पे ट्री गिवन है, सी मल्टीप्लिकेशन ट्री, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। सी स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ डिजिट्स गिवन है, जैसे 10, 12, 18, 35, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये डिजिट्स किस किस की टेबल में आती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सी। 10, तो 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। सी 2 × 5, 2 × 5 = 10। सेम 10 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है। 5 × 2, 5 × 2 = 10। देन 10 किसकी टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है। 10 × 1, 10 × 1 = 10। तो इस तरह से आपको ये करना है। सी 12, 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। 2 × 6, 2 × 6 = 12। 12 और किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। 3 × 4, 3 × 4 = 12। देन 12 और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में। 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3 = 12, ठीक है। देन 12 और किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में। 6 × 2, 6 × 2 = 12। तो इस तरह से आपको ये करना है। सी जैसे 18, 18 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। 2 × 9, 2 × 9 = 18। 18 और किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में। 3 × 6, 3 × 6 = 18। 18 और किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में। 6 × 3, 6 × 3 = 18। देन 18 और किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में। 9 × 2, 9 × 2 = 18, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सी जैसे 35, 35 किसकी टेबल में आता है, 35 आता है 5 की टेबल में। देन 5 × 7, 5 × 7 = 35, 35 और किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में। 7 × 5, 7 × 5 = 35, देन 35 अपनी टेबल में आता है। 35 × 1, 35 × 1 = 35, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।